हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप लोगों का स्वागत है और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग अल उला से उमलुज की तरफ जाएंगे और इस उमलुज में ये रास्ते में जो है ये बहुत ही खूबसूरत रोड है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते रहिए, बहुत अच्छा लगने वाला है आप लोगों को। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है और एक ट्रैवल में। इस ट्रैवल में हम अलूला से आज उमलुज की तरफ जा रहे हैं और इस रोड ट्रिप में आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखने वाले हैं। आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं इस वीडियो के ज़रिए। पूरा वीडियो देखते रहिए, बहुत ही अच्छा ट्रिप होने वाला है ये और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये चारों तरफ जो है बहुत मतलब पहाड़ हैं। आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, उसमें सब पहाड़ थे। जो पहाड़ था वो सब वो ब्राउन कलर का था या तो रेड कलर का सैंड का था। ये पूरा काले पहाड़ के हैं, काले हैं सब पहाड़। ये जो पहाड़ देख रहे हैं दोस्तों, ये चारों तरफ, ये एक्चुअली ये एरिया आता है सिस्मिक जोन के अंडर में। ये अरेबियन पेनिनसुला में वेस्ट में, सऊदी अरेबिया के वेस्ट, ये जो रीजन है हयात राहत, ये रीजन जो है ये माउंटेन रीजन, ये पूरे सिस्मिक रीजन एक्टिव जोन के अंदर आता है। पर बहुत सालों पहले यहाँ पे एक्टिव सिस्मिक ये था, यहाँ पे इरप्शन हुआ था। उस इरप्शन से जो बना जो राग जो है ना, और उसके जो खाक है, ये चारों तरफ फैला हुआ है। आगे जाके आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, आप लोग देख पाएंगे इसी जोन के आगे। ये वोल्केनिक इरप्शन दोस्तों बहुत सालों पहले हुआ था, कई शायद 100 साल पहले होगा या किसी कितने साल पहले होगा, एक्चुअल तो पता नहीं है। तो इस वजह से देखिए, ये दोनों तरफ जो पहाड़ियां हैं ये सब भी काले पड़ गए हैं। एक्चुअली उस टाइम पे जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उस टाइम पे ये तो बहुत उससे आग निकलता है, उस आग से ये चारों तरफ का जो पहाड़ हैं ये बहुत दूर दूर तक ये हमको मिला। तो ये पूरे पहाड़ जो है वो सब काले हो गए हैं और ये आग जो निकला, जो लावा जो निकला है वो सब ठंडा होने के बाद ये पत्थर का रूप ले लिया है। ये काला जो पत्थर देख रहे हैं हमारे रूट के बगल में, ये सब उसका रूप ले लिया है ठंडा होने के बाद। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है, मैं आप लोगों को जो बता रहा था, ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ये जो खाक होता है ना उनका, वो जो आग बहुत सालों के बाद बुझने के बाद जो राग बन जाता है, तो ये वो पत्थर है, ये पत्थर की तरह हो जाता है। फिर सूखा मतलब काला और हल्का होता है ये पत्थर नॉर्मली दूसरे पत्थर से। ये हम लोगों का गाड़ी है जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं और ये देखिए चारों तरफ दोस्तों, ये बहुत दूर दूर तक, ये जो एरिया है, ये रीजन है, ये इस रीजन में बहुत दूर दूर तक ये फैला हुआ है।
के दोस्तों अभी देखिए ये जो चारों तरफ जो देख रहे हैं ये पूरे जो है उस इरप्शन के वॉल्केनिक इरप्शन के वजह से ये हुआ है। ये वॉल्केनिक इरप्शन में मतलब जो इसमें जो आग जो निकलता है और उससे ये खाक बना है और ये दोनों तरफ आप देख सकते हो। अभी हम दोस्तों उमलुज पहुंच गए हैं और ये देखिए ये आप देख पा रहे हो ये जो सी है ये सी रेड सी है, इस समुंदर को रेड सी बोलते हैं। और दोस्तों ये उमलुज का जो पूरा ट्रिप है यहाँ पे समुद्र के बगल में घूमना, कौन से कैंप में हम रह रहे हैं, हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत कैंप में रह रहे हैं, हम कोई होटल नहीं लिया है और उस कैंप का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं अगले वीडियो में। और तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ, आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए गुड बाय।